नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। और यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखें तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि पेशेंस बहुत कम होता है और जो कुछ करना है अभी करना है। काम को ज़्यादा पेंडिंग या फिर अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की योग्यता आप में नहीं है। इस कंडीशन में कई मरतबा लाइफ में बहुत इमीडिएट एक्शन लेने के कारण लाभ भी बहुत अच्छे लेवल के हो जाते हैं। जैसे अधिकतर मामलों में आप जैसे ज़्यादा थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के पाए जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अपने मन मुताबिक काम करना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच को सबसे पहले क्रिएट करता है। इसलिए लाइफ में सबसे पहले अपनी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर भी, चाहे फाइनेंशियल हो, मेंटली या फिजिकली हो, उसको हटाते हैं। देन आफ्टर धीरे धीरे अपने करियर वाइज में या फिर अपने लाइफ में ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। एक नेगेटिविटी इसमें यह है कि कई मरतबा बिना सोचे समझे कहे गए बात से या लिए गए निर्णय से नुकसान की आशंका ज़्यादा होती है। इसलिए जब भी आप कोई खासकर डिसीजंस लें तो दूरदर्शिता रख करके, थोड़ा अगर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके वो डिसीजन लेंगे तो आपके काम में ज़्यादा परफेक्शन देखने को मिलने लगेगा। यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो तकरीबन थर्ड फिंगर से के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो हल्का सा कम्युनिकेशन एरर यह देता है। बहुत सारी बातें मन के अंदर ही इस कंडीशन में दबी हुई देखने को मिलती है, और कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सभी कामों में मिसमैनेजमेंट और जो पंचुअलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इस कंडीशन बिना सोचे समझे कमिटमेंट्स भी नहीं करने चाहिए। लिटिल फिंगर जब पूरी की पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है तो इस कंडीशन में आप सुन सबके लेंगे, अंततः करेंगे अपने मन के। और थर्ड फिंगर के लेंथ आपकी हथेली में ज़्यादा लॉन्ग है, तो ये आपको रिस्क टेकिंग नेचर देगा। इस कंडीशन में खुद के दम पर जीवन में ज़्यादा ग्रोथ कर पाना, खुद के द्वारा अत्यधिक काम करना, कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमेशा अपने लाइफ में चेंजेस करते रहना पसंद करते हैं। अगर एक ही काम लंबे समय तक कर लिए तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ एक प्रकार से एडवेंचरस करने की योग्यता ज़्यादा प्राप्त इस कंडीशन में होती है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, तो लाइफ में रिस्पेक्ट बहुत अच्छा प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव जब सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति है उत्पन्न करता है। तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विधाओं के प्रति रुचि होती, थोड़ी वैराग्य की भावना आती है। इस कंडीशन में पूरे वैराग्य नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सीरियसनेस नेचर में आता है, और भीड़ से अलग रहने की योग्यता या खुद को थोड़ा ज़्यादा समय देने की योग्यता प्राप्त होती है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं के श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रहा है, तो हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर एक व्यक्ति के साथ संबंध अच्छे तरीके से निभा पाने में आप सक्षम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक जा रही है, स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थमका साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद करेंगे, बहुत इमीडिएट अपने डिसीजंस और प्लानिंग के अंदर चेंजेस करेंगे। और आप बहुत ज़्यादा स्टबन हैं, बहुत ज़्यादा आप एक प्रकार से हठी किस्म के, एक बार जो ठाना वो करके दिखाना है। तो क्या होता है कि जब आप बार बार इतना फेवरेबल डिसीजंस में चेंजेस करते जाते हैं तो इस कंडीशन में बना बनाया काम बहुत जल्दी बिगड़ सकता है। इसीलिए डिसीजन लेते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। योग का चिन्ह है परंतु ओपन है, यही कॉम्बिनेशन होता है जो पैसा रुकने ही नहीं देता है। जितना भी प्लानिंग कर लीजिए, जितनी भी कुछ भी योजना हथकंडे अपना लीजिए, पैसा हमेशा इतनी सरलता से आपके हाथ से जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आएगा। जहाँ 2-5 रुपये से काम बनेगा, आराम से 100-500 भी जाएगा वहाँ पर, क्योंकि इस कंडीशन में एक तो प्योर इंडिपेंडेंट नेचर हो गया, ऊपर से जिद्दीपन हो गया, ऊपर से शुक्र डेवलप्ड है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है नहीं, और ऊपर से शॉर्ट थंब है, तो इस कंडीशन में प्लानिंग कभी काम नहीं आती है। यहाँ पर पाम के साइज़ के बारे में देखेंगे तो पाम के साइज़ आपकी लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण यह लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशन रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच यहाँ होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर या ड्रीम से आप जैसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि हमेशा और टॉप पोजिशन या लेवल तक पहुँचने की चाहत बनी हुई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है कि यूपीएससी के फर्स्ट क्लास के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, क्या उसमें सफल होंगे? 100% होंगे, आप जैसे ज़्यादा कि सफल हो पाते। जिनका स्क्वेरिशन होता है वो बहुत कम ही फर्स्ट क्लास में जॉब करते हुए देखने को मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न है ये है कि वो मेहनती तो होते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन थोड़ा ठीक नहीं होता है। आप जैसे जातकों का गोल एम्बिशन बचपन से ये यही रहता है, सुबह शाम उठते
सोते समय यही ख्याल आते रहते हैं। इसीलिए कभी भी आप जो एक नेचर हो जाता है कॉम्प्रोमाइजिंग, वो नहीं है आपका, आपके खुद के लाइफ स्टाइल की रिगार्डिंग, आपके फाइनेंस की रिगार्डिंग, आपके करियर की रिगार्डिंग, इन तीनों चीज़ों में जो भी कोई आपको बीच में टांग अड़ाएगा या फिर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत देगा, आप उस व्यक्ति को सीधे क्लियर करेंगे अपने लाइफ से, क्योंकि इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी सुनना, बातचीत करना या ज़्यादा किसी के राय विमर्श लेना पसंद नहीं है। जुपिटर के ऊपर क्रॉस का साइन होता है तो ये लव मैरिज की तरफ लेकर के जाता है। इस कंडीशन में सक्सेसफुल मैरिड लाइफ होती है, लेकिन आपकी फर्स्ट मैरिड जो है अनसक्सेसफुल हो गई। उसके वजह बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि जब भी लाइफ लाइन के ऊपर आइलैंड जैसे ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं, मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो जो अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग हुआ और ऊपर से हेल्थ हुआ और जो अटैचमेंट जैसी चीज़ें हुई वो सब थोड़ी कम होती है। दूसरी बात, जब भी मंगल का इन्फ्लुएंस हार्ट लाइन से कनेक्टेड होता है तो एग्रेशन, इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगता है। इसीलिए मैरिड लाइफ इसमें टिक भी नहीं पा रही है। और सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पर जब एक से अधिक रेखा होती है तो ये इस बात का प्रमाणित करती है कि एक से ज़्यादा बार आपका अटैचमेंट होगा। सेकेंड वन लाइन बहुत स्ट्रांग है, तो इस कंडीशन में मोस्ट प्रोबेबली डोमेस्टिक प्लेस पे ही आपका जो है मैरिज होने के चांसेस ब्राइट हैं। तो यहाँ पर जुपिटर जो क्रॉस का साइन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। ये एक प्रकार का कर्स होता है जो हम लेकर के आते हैं हमारे पेंडिंग कर्मास के द्वारा, पिछले जन्मों के द्वारा, तो वो व्यक्ति आते हैं अपना हिस्सा ले जाते, नहीं तो दे करके जाते हैं। तो ये जो कर्ज ही खत्म हो चुका है और अब जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे बहुत लंबे टिकने वाले हैं, टिकने वाले मतलब लाइफ टाइम ही टिकने वाले हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग आपकी सपोर्टिव लाइन रन कर रही है। और जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन रन करे तो बहुत गहरा जो है अटैचमेंट, सिंपैथी देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि लाइफ लाइन धीरे धीरे देखिए कितनी ज़्यादा आपकी सुधरती जा रही है और पहले कैसी है। यानी पहले को तात्पर्य हो गया कि उम्र तकरीबन 30 तक डिस्टर्ब है, 30 के बाद से धीरे धीरे ये स्ट्रांग होती जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली 31 के आसपास में ही आपकी मैरिज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। और ये जो क्रॉस का साइन है ये सक्सेस आफ्टर मैरिज का भी साइन होता है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी बढ़ती है या पावर पोजिशन बढ़ती है। सिर्फ मैरिज ही नहीं, ये कारक होता है हमारे ज्ञान का, तो ज्ञान भी बढ़ता है। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इस कंडीशन में क्रिएट होती है। जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलेगा और समाज में जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती है। आपका माइंड लाइन स्टार्ट ही जुपिटर से हुआ है, यही एकमात्र रीज़न है कि खाली बैठना आपको पसंद नहीं होता है। कुछ ना कुछ वर्क करना, पढ़ते रहना, अपने आप को बिजी रखे रखना, ये आपके बेसिक नेचर में, ये आपकी सोल का फूड है। आप जिस दिन नहीं पढ़ेंगे, जिस दिन कुछ नया नहीं सीखेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, मज़ा नहीं आएगा वो दिन आपको। तो यहाँ जुपिटर एट देन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है आपके जुपिटर के रिगार्डिंग। जुपिटर जब नेगेटिव नहीं होता है तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख, बच्चों का सुख अच्छा मिलता है। माइंड लाइन से बहुत सारी रेखा निकल के सैटर्न पे जा रही है। ये रेखाएं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और यही कॉम्बिनेशन आपके लक लाइन में भी है। लक लाइन यहाँ से निकल के माइंड लाइन पर आकर के रुका है। देखिए मून लक लाइन जो होती है ये बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन लक होती है, क्योंकि इस कंडीशन में मन का एक तो सारा काम हो पाता है, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि बाहरी दुनिया लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो जो भी आपका जन्म स्थान है उस जन्म स्थान से दूर ही जाकर के भाग्योदय होता है या फिर मन को शांति मिलती है। मदर सपोर्ट अटैचमेंट बहुत अच्छा मिलता है। जितने अपने लोगों से प्रेम दुलार न मिले उस कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया लोग या स्ट्रेंजर से मिलता है। ये सारे कॉम्बिनेशन एक तरफ, लेकिन ये जो रेखा है ये लाइफ को बहुत ईजी कम्फर्टेबल पोजिशन तक लेकर के जाती है। और यहाँ पर जब ये रेखा सैटर्न तक पहुँचे तो पूरी की पूरी जो लाइफ ही यहाँ पर रहती है बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल, फ्रूटफुल रहती है और कंसिस्टेंट वे में आप जैसे जा तक अर्निंग करते हुए या फिर करियर मैनेज करते हुए चलते हैं। अब जब भी लक लाइन पर आकर के, माफ़ करें, मस्तिष्क रेखा पर आकर के लक लाइन रुकती है तो उस कंडीशन में खुद की बुद्धिमत्ता के कारण, जैसे आपके अंदर जिद्दीपन बहुत ज़्यादा है और आपको सुनना, किसी की राय विमर्श करना पसंद नहीं है, तो खुद के लिए गए निर्णयों के कारण अपने भाग्य में परिवर्तन या कमी आप ला सकते हैं। अभी आपका गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ परफेक्ट, और आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में वापस अगर आप अपने जन्म स्थान पर ही चल गए तो फिर कोई ज़्यादा आपको लाभ में नहीं मिलेगा। जन्म स्थान से दूर ही आपको लाभ है। ये जो रेखा यहाँ पर रुक रही है ये पीरियड आपके जीवन में 43 का रहने वाला है। तो 43 तक तो ऐश ही ऐश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लक के बिहाफ पे या फिर आपके अर्निंग के बिहाफ पे। उसका जो रेखा धीरे धीरे रुक रुक करके चल रही है ये आपको क्या दिक्कत दे सकती है कि 43 के एज के बाद में आपको किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन ना मिल सके या फिर बहुत सारे आप अलग अलग चीज़ों में हाथ डालें लेकिन वो सारे काम कंसिस्टेंट वे में ना चलें। ये दोनों कॉम्बिनेशन में दोनों हो सकते, नहीं तो एक होगा। और अगर ये कॉम्बिनेशन आप नहीं चाह रहे हैं लेटर एज में भी, तो आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने ही काम के प्रति,
और ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। सैटर्न की जो ये रेखा है इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं, इसे ट्रूथ लाइन भी कहते हैं। झूठ फरेब दिखावटीपन से दूर रहते हैं, सीधे स्पष्ट रूप से मुंह पर ही बात को कहने वाले होते हैं। और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और सैटर्न हमारे भाग्य का दरवाज़ा है, शनि जी हमारे कर्मों के फल हैं, तो कर्म कहीं ना कहीं बहुत अच्छे यहाँ देखने को मिलते हैं और उस कारण से अपॉर्चुनिटी खुद आगे से चल करके आती है। इसलिए इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति तो यहाँ पर रहेगी। सूर्य के ऊपर आपका जो है कोई भी क्रॉस या नेगेटिव साइन नहीं है, तो बहुत लोग ऐसा है कि जीवन में नाम खराब करने या फिर कष्ट पहुँचाने या फिर काम में अड़चन देने आपको आएंगे, लेकिन कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा कहीं से कहीं तक, क्योंकि एक तो सूर्य स्ट्रांग है तो आपका खुद का तेजस या खुद का व्यक्तित्व तो इतना स्ट्रांग है कि कोई आने के पहले सोचेगा 10 बार आपसे भिड़ने से पहले। और यहाँ पर जब स्क्वायर का ऐसा साइन क्रिएट हो जाता है तो इस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। और प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा? आपको गवर्नमेंट से आएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, आपको स्कीम्स बहुत अच्छी वहाँ से मिलने लगेगी। ये इस कंडीशन में फॉरेन लैंड में खुद का घर हो जाता है और पिता को सारा सुख समृद्धि दे पाने में सक्षम होते हैं। और इसके अलावा ये कारक होता है हमारे गुडविल का, नेम रिस्पेक्ट का, तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे काम तो सिर्फ आपके नाम के बलबूते पर हो जाएगा। कब होगा ये? इस बात का जजमेंट अभी हम लाइफ लाइन पर आकर के लेंगे, लेकिन सूर्य पर ये फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के साथ प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी देता है। तो इसीलिए ये सारे कॉम्बिनेशन लाइफ में आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा अपर पोजिशन पर लेकर के जाएंगे। और ये सीधा सीधा बस इस बात को भी प्रमाणित करता है कि यस, आप क्लास 1 में कहीं ना कहीं आने के आपके चांसेस यहाँ स्ट्रांग होते अब दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत अभी भी है। दिक्कत यह है कि बहुत सारी छोटी छोटी आड़ी रेखाएं यहाँ मौजूद है, तो 10 काम एक समय पर आप कर रहे हैं या फिर आपके मन में बहुत सारी विचारधारा चल रही है कि ये भी करना है, ये दूसरा वो भी काम करना है। जिस भी चीज़ को देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हाथ डालने का, कुछ ना कुछ काम करने का मन करने लगता है। तो सूर्य हमारा एनर्जी है, हमारा फोकस है, हमारा एम है, क्लैरिटी विजन है। इतनी सारी रेखा होना ठीक नहीं होता है, क्योंकि रुक रुक करके पहली बात तो काम होने लगते हैं, कंसिस्टेंसी हटने लगती है, बार बार ध्यान भटकने लगता है, फोकस में कमी होने लगती है। इन सब के कारण से नेम रिस्पेक्ट या ये जो पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी जितने बताए गए इन सब में कमी आने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ज़्यादा प्रोफेशन में आप चेंज मत करिएगा या फिर बहुत ज़्यादा कुछ एक समय पर करने का कोशिश मत करिएगा। मरकरी माउंट जब भी थोड़ा बहुत दबता है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर रहती हैं ताकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। और यहाँ पर जैसे छोटी छोटी रेखा है तो ये बहुत अच्छी सिंपैथी लाइन इसे कहते हैं। इस कंडीशन में हीलिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए दूसरे लोग आपसे मिलकर के कहीं ना कहीं अटैच या अट्रैक्ट डेफिनेटली हो जाते हैं ईजिली। इस कंडीशन में ये जब ये फॉर्मेशन और ज़्यादा आपका डेवलप्ड हो जाएगा आगे चल के, तो आपके अंदर एक प्रकार का डिवाइन हेल्प ये क्रिएट करेगा, ये ऐसी वाइब्स क्रिएट करेगा जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा ही और इजीली आपसे अट्रैक्ट हो गए या कन्विंस हो जाएंगे। और इस कंडीशन में काम की, लोग या धन की फिर कमी नहीं पड़ती है। हृदय रेखा से जब भी झुकाव ऊपर की तरफ जाता है तो स्पाउस के प्रति जो डेडिकेशन है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलने लगता है। और आपकी जो हार्ट लाइन है हल्का सा फेल करके चल रही है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हेल्थ के ऊपर आपको यहाँ पर कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। हालांकि ये जो इंडिकेशन है ये लेटर एज के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप अभी से इसके ऊपर ध्यान रखेंगे कोई मेजर आपको हेल्थ इशू नहीं आएगा। यहाँ जो आपकी हृदय रेखा है वो एकाएक जो है सैटर्न की तरफ झुक गई, जो कि एक हिडन नेचर देता है। मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं बताते, थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं बातों को। अब इस कंडीशन बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अपना रोग, ऋण, शत्रु कभी आप किसी को नहीं बताएंगे, अपना दुख दर्द नहीं बताएंगे, पसंद ही नहीं आएगा किसी के सामने रोना या इस प्रकार से दुख तकलीफ साझा करना। मनी माइंडेड ये ज़्यादा कर देता है, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो जाता है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है। एक शाखा यहाँ से निकल के जुपिटर पे गई तो यस, आप कभी किसी का बुरा करके आगे बढ़ने वाले नहीं रहेंगे, किसी को नीचे गिरा के आप आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा ये आपके अंदर बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। एक शाखा यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है तो एग्रेशन जब आता है तो कंट्रोल नहीं होता है, एग्रेशन खराब है। प्रॉपरली मार्स का कनेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा जब सपोर्टिव मार्स कनेक्शन आता है तो इस कंडीशन में एग्रेशन बहुत देर से आता है, लेकिन जब आएगा तो आर पार करने ही आएगा। तो ये मिक्स नेचर यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अगेन माइंड लाइन जब इंडिपेंडेंटली रन करती है लाइफ लाइन से, तो बचपन से इंडिपेंडेंसी मिले या ना मिले अपना जिद कैसे भी पूरा करते हैं। अपने जिद पर जो एक बार अड़े तो वो के जब तक पूरा नहीं होगा फिर शांति से नहीं बैठेंगे, इसीलिए इस कंडीशन में जुनूनियत भी बहुत होता है। अब ये माइंड लाइन कुल मिलाकर के चल ठीक रही है। इस माइंड लाइन में जो आपको माइनर जो एक प्रकार से स्ट्रगल या स्ट्रेसेस मेंटल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आना शुरू हुआ,
वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि इस जगह पे आइलैंड है और ये पीरियड आपके जीवन का है अराउंड 26 से के आसपास में, 26 से लेकर के जो 30 का पूरा ड्यूरेशन है, पूरे पीरियड में आपको मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर और एनजाइटी भी है। अब यहाँ पर देखेंगे तो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है, इनका एज काउंट करेंगे तो 31 का ये एज निकलेगा। तो यस, आने इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले 2 साल में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाला है, और जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है उसके बाद में माइंड लाइन पूरी स्टेबल हो गई है, और फिर उसका जैसे ही यहाँ पर आपका 36 या 8 का पीरियड टच हुआ, उसके बाद से माइंड लाइन तो और ज़्यादा ही स्टेबल हो गई। तो जो भी स्ट्रगल है वो 31 के एज तक या 30 के एज तक ही है मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद कोई भी ऐसा दिक्कत आपको नहीं है। माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो इस कंडीशन में ग्रेसिपिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, सीखने समझने की सक्षमता या बातों को याद रखने की सक्षमता। किसी भी परिस्थिति माहौल में जैसे ढाल दिया जाए तो आप जैसे ढल जा रहे हैं, वैसे ही किस समय क्या निर्णय लेना है, किस प्रकार का एक प्रकार से अपने निर्णयों में परिवर्तन करना, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। शॉर्टकट्स में भी आप जैसे जातक बहुत अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम होते हैं, और पीस आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट चल रही है, तो इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होता है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि रात गई बात गई वाला नेचर है, बहुत जल्दी मूव ऑन कर पाने में या लेट गो कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम देखने को मिलते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा बहुत आइडियली बहुत अच्छा पामिस्ट्री में माना जाता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है कि ये बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रैब कर पाने में सक्षम होते हैं और बहुत माइंड क्लियर होता है कि क्या चीज़ रखना है अंदर, किस चीज़ को बाहर करना है। तो इसीलिए ये माइंड जो है बहुत स्टेबली स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप लर्निंग कर रहे हैं, एजुकेशन और ज़्यादा गेन कर रहे हैं, ये आपको मेंटल पीस और ज़्यादा देते रहेगा। और जब जब इन केस आपको फ्यूचर में थोड़ा भी मेंटल ट्रोमा या किसी प्रकार का लेवल अगर आए, क्योंकि अभी भी थोड़े चांसेस तो हैं कि आ सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप कोई भी नॉवेल उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, कुछ भी पढ़ना शुरू करना या लिखना शुरू करना आप प्रारंभ कर दीजिए। आपका मून लक है, आपको खाना घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, प्राकृतिक से जो एक प्रकार से अटैचमेंट, मतलब जो नेचुरल अटैचमेंट्स है वो साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हीलिंग जो जो प्लेसेस हो गए इन सब जगह पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ये सब ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिनसे आप बहुत जल्दी रिकवर, इन केस अगर कुछ आता है प्रेशर तो उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इस कंडीशन में तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को इजीली हैंडल टेकल करने की योग्यता प्राप्त होने लगती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपने लाइफ लाइन के ऊपर, तो अभी भी आपकी लाइफ लाइन में हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन चल रहा है, तो अभी भी आपको हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है अराउंड 34 के एज तक मिनिमम। हालांकि ये अच्छी बात है कि यहाँ सपोर्टिव लाइन तो बहुत आने लग रही है, ये जब सपोर्टिव लाइन आती है तो डिवाइन हेल्प मिलता है और दूसरों के सहयोग से सारे काम बन जाते हैं, लेकिन जब लाइफ लाइन डिस्टर्ब चले तो हेल्थ में किसी दूसरे का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता है या कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस चल रही है, बाहर की तरफ रेखा झुक रही है, तो फॉरेन तो जाने के चांसेस और ज़्यादा स्ट्रांग हैं आपके पाम में, लेकिन क्या हो रहा है कि एट द एंड ये मिडिल ऑफ द मिडिल ऑफ द पाम आ रही है आपकी लाइफ लाइन, तो आप करियर को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे और करियर ही आपका डिसाइड करेगा कि आप फॉरेन जाएंगे कि यहाँ पर रहेंगे, ना कि आपका मैरिज। लाइफ धीरे धीरे करके अब बहुत ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी, सुख सुविधाएं बढ़ती जाएगी। हेल्थ के रिगार्डिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कुछ भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, पर रेगुलर बेस्ड ये काम करते रहना ज़रूरी रहेगा। इंटरनल मास फिलहाल डेवलप्ड है, हल्का धीरे धीरे ये थोड़ा कम होता दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी इसको होने में समय है, ये ना हो इसके लिए ध्यान रखना है। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो हौसला, जुनून, सहनशीलता अच्छी है। शुक्र डेवलप बहुत अच्छा है, ये शुक्र क्या होता है, संजीवनी का कारक हो जाता है जिसके तहत लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य यह निर्मित करता है, और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, रॉयल्टी, कंफर्ट्स, लग्जरीज, ये सब देने योग्य होता है। क्रिएटिव माइंडसेट होता है, तो इस कंडीशन में कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व होता है, जॉयफुलनेस बहुत अच्छा होता है, इसलिए जहाँ भी रहेंगे, जिस भी सिचुएशन में रहेंगे, अपनी खुशी आप ढूंढेंगे। फैशन, ब्यूटी, डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट या नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, और जब सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। आड़ी रेखा ज़्यादा नहीं है, तो आड़ी रेखा है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो रिलेशन को ज़्यादा तोड़ने वगैरह इन सब चीज़ों में एक प्रकार से आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, या फिर किसी भी रिलेशन में सीरियसनेस बहुत देरी से आपको आएगा, जल्दी नहीं आएगा, इसलिए कैजुअल रिलेशनशिप को बिल्कुल भी
अपने लाइफ में आने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जब जब आएगा तब तक वो रिलेशन और स्ट्रांगली टूटना ही है, ख़त्म होना ही है। इसीलिए व्यक्ति को समय देने के बाद किसी के साथ भी कमिटेड होने की जो एक प्रकार के प्रोसेस है उसमें फिर आप जाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा फिर लाभ देगा। यहाँ पर जो ट्रेंगल का साइन होता है ये आकस्मिक धन लाभ दे देता है। आकस्मिक धन लाभ मतलब अचानक से होने वाले ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड सक्सेस उसको डिनोट करता है। यहाँ से मरकरी लाइन भी क्रिएट हो रही है, तो आगे चल के खुद का क्लिनिक खोलने के आसार हैं, लेकिन ये रेखा अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अभी तो आपका ध्यान लर्निंग के ऊपर ही है। जब ये स्ट्रांग होगा देन आफ्टर पैसा बहुत अच्छा लेवल का आएगा और रुकेगा, और उसका सदुपयोग भी होगा, और खुद का इंडिपेंडेंट वर्क और अच्छे लेवल का आप कर पाएंगे। अभी तो नहीं, लेकिन आपको लाइफ में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है मनी लॉसेस के इशू आ सकते हैं, एक उम्र 34 में, एक उम्र 36 एंड 8 में, और एक उम्र 41 में। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में आपके लक लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लक लाइन का कनेक्शन मून से है, रुकी कहाँ है, जस्ट माइंड लाइन के पहले, तो माइंड लाइन के पहले रुकती है। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला लाइफ में, थोड़ा दूरदर्शिता रख सोच विचार के ये काम करेगा। ये लक लाइन मेजरली आपको इशू क्रिएट कर सकती है करियर के रिगार्डिंग, अदरवाइज इस लक लाइन का कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। और अभी लाइफ स्टाइल और ज़्यादा बेस्ट ही होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है कि आप अपने लाइफ में 41 और 43 के इस तक आते आते इतने लेवल तक उड़ जाएं कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत ना पड़े। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।